बेटा फटाफट से वीडियो ऑन करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। बेटा वीडियो ऑन करेंगे फटाफट। शानू प्रिंस शुरू करें। चलिए जी बेटा, एक बार छोटा सा रिकॉल, पिछली क्लास तक हमने क्या देखा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में अभी तक हमने क्या देखा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमारा जो रिवाइज है वो टेंजिबल असेट्स की बात करेगा, जिसका नाम अब हो चुका है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 सेकंड ग्रुप में मिलेगा, जो बात करेगा इनटेंजिबल असेट्स के रिगार्डिंग। इसकी सबसे पहले जो बात थी क्या, ये एप्लीकेबल किस पे है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमारा किस किस पर एप्लीकेबल है? सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, ये सभी एंटिटी पे लगेगा, सब एंटिटी पे मैंडेटरी है उनके लिए फॉलो करना। बस नहीं लगेगा किस पे नहीं लगेगा, जहां पर कोई दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात कर रहा है, ठीक है, वहां पर नहीं लगेगा। फिर हमने क्या देखा जी, दूसरी बात, नोट एप्लीकेबिलिटी को अगर हम अच्छे से पढ़ जाए तो एप्लीकेबिलिटी हमें पता चल जाएगी। हमने देखा कि किस किस पर एप्लीकेबल नहीं है भाई, बायोलॉजिकल असेट्स अदर देन बियर प्लांट पर एप्लीकेबल नहीं है जी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हाँ जी, दूसरी बात, एक तो बायोलॉजिकल असेट्स अदर देन बियर प्लांट पर नहीं है, दूसरी बात बेटे वेस्टिंग असेट्स पर नहीं है। बायोलॉजिकल असेट्स अदर देन बियर प्लांट मतलब, इसका मतलब वो बियर प्लांट पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल है, ठीक है, नेक्स्ट, और वेस्टिंग असेट्स पर एप्लीकेबल नहीं है भाई। बायोलॉजिकल असेट्स का मतलब हमने क्या पढ़ा था, लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स, लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स। अब यहां पर लिविंग एनिमल की बात करें तो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है उनकी बात नहीं कर रहे, उन पर AS 10 नहीं लगेगा। जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है उन पर AS 10 लगेगा। आइए जी अगली बात, प्लांट के केस में हमने कहा था भैया जो बियरर प्लांट है उस पर लगेगा और जो अदर प्लांट है उस पर नहीं लगेगा। बियरर प्लांट का क्या मतलब है, हमने देखा बियरर प्लांट मतलब जिसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा करने के लिए हमने हेल्ड कर रखा है, बहुत रेयर चांस है, रिमोट चांसेस है, बहुत ही रिमोट चांसेस है कि भाई उसका जो है हम लोग क्या करें, उसको काट करके बेचे, ठीक है ना, उसको इंसिडेंटल सेल की तरह, मतलब वो तो बिक सकता है, अदरवाइज मेन उद्देश्य उसका कटने का नहीं होना चाहिए, एज ए प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एक्टिविटी मतलब भाई जहां पर बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या हार्वेस्टिंग, ठीक है ना, और क्या सेल और कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या एडिशनल बायोलॉजिकल असेट्स भी अगर बन रही है तो भी वो क्या है हमारे लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, फिर उसके बाद में हमने बात की थी भाई बायोलॉजिकल असेट्स के बाद में जो वेस्टिंग असेट्स है उसका क्या मतलब होता है, जिस पर AS 10 नहीं लगेगा जी। वेस्टिंग असेट्स मतलब जो भी खर्चे हमने किए हैं किस पर, वेस्ट करने पर। वेस्ट करने पर मतलब भाई एक नेचुरल असेट्स जो रीजनरेट नहीं होगी, यानी कि वो वेस्ट हो जाएगी। तो अगर हमने कोई खर्चे ऐसे ऐसी असेट्स जनरेट करने पर किए हैं कि जो वेस्ट हो जानी है, पक्का है, और वो रीजनरेट नहीं होगी, तो ऐसी असेट्स क्या कहलाती है, वेस्टिंग असेट्स, और इनके लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एप्लीकेबल नहीं है। इनके हमने एग्जांपल देखे थे मिनरल ऑयल्स वगैरह के लिए, नेचुरल गैसेस वगैरह के लिए, ओर्स वगैरह के लिए, या सिमिलर इसी तरह के नॉन रीजनरेटिव असेट्स क्रिएट करने के लिए हमने जो डिगिंग वगैरह स्पेशली इसका एग्जांपल था, उन पर ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। आइए जी, अगर वो रीजनरेटिव हो यानी कि उस पर AS 10 लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिर हमने कुछ क्वेश्चन आंसर देखे यहाँ पर, फिर मैंने बात की थी क्या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का क्या मतलब होता है जी। सबसे मेन बात हमारी दो ही है, एक तो एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी और दूसरा मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। किसको बोलते हैं जी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भाई, दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बन जाएगी, अदरवाइज नहीं। नंबर एक, 12 महीने से ज्यादा के पर्पज के लिए एक्सपेक्टेड टू यूज है, ठीक है जी। इंडेस में दो अकाउंटिंग पीरियड थे, इंडेस 16 में, और यहाँ पर 12 महीने से ज्यादा के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हेल्ड फॉर यूज है जी। किस तरह के यूज के लिए, या तो प्रोडक्शन या सप्लाई, दोनों में से कोई एक काम कर रहे होंगे, या तो सर्विस सप्लाई कर रहे होंगे, या फिर गुड्स मैन्युफैक्चर करके हम लोग तब बात कर रहे होंगे, है ना, या फिर हम लोग किस पर्पज से यूज कर रहे होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। और एक अमेंडमेंट आई थी रेंटल पर्पज के लिए, क्या अगर कोई असेट्स रेंटल पर्पज के लिए भी हेल्ड कर रखी है तो भी वो हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। आगे बात करते हैं नंबर थर्ड, कब हम लोग बुक्स में लेके आएंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, यानी कि हर असेट्स को क्या हम बुक्स में लाना शुरू कर दें, घर में लगा पंखा
कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दे रहा जी, उससे कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो रहा जी, तो हम उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नहीं लाते जी बैलेंस शीट में। तो हम कब लाएंगे जी, बुक्स में कब रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, जब ये वाली बातें सेटिस्फाई हो जाएंगी। सबसे पहली बात फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, दूसरी बात उसके लिए कोई कॉस्ट इनकर की जा रही हो, तीसरी बात कॉस्ट जो है वो मेजर की जाए रिलायबली, ऐसा ना हो कि कॉस्ट में कोई कंफ्यूजन रहे। लास्ट वाली बात कॉस्ट मस्ट बी मेटीरियल, पता चला बहुत छोटी सी अमाउंट है तो हम उसको क्या करेंगे, फिर हम उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। यहां पर एक पॉइंट लिख लो इस फोर्थ पॉइंट के साथ में, एक छोटा सा नोट लिख लो, नोट किसके लिए, फोर पॉइंट नंबर फोर, पॉइंट नंबर फोर, इफ 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 इंडिविजुअल इनसिग्निफिकेंट आइटम्स आर देयर, अगर छोटी छोटी अमाउंट के इनसिग्निफिकेंट आइटम्स हैं काफी सारे, बेटा प्लीज वीडियो ऑन रखो, सच एज एग्जाम्पल जैसे कि छोटे छोटे टूल्स हो गए हमारे, ठीक है ना, डाइज हो गई, मोल्ड्स, ठीक है ना, देन इट विल बी एप्रोप्रिएट, बेटा वीडियो ऑन रखो, इट विल बी एप्रोप्रिएट टू एग्रीगेट इंडिविजुअल इनसिग्निफिकेंट आइटम्स कि हम उनको क्या कर लेंगे, एग्रीगेट कर लेंगे इंडिविजुअल आइटम्स को, एंड देन वी शैल अप्लाई द रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया। अगर इमेटीरियल है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते छोटी छोटी अमाउंट्स के, लेकिन अगर हमारे छोटे छोटे अमाउंट्स के कई सारे इतने छोटे छोटे आइटम्स हैं जिनको अगर ग्रुप करके हम देखें तो हम देखेंगे उनको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। तो रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया कब था बेटे, हमने क्या पढ़ा था, बुक्स में कब लाएंगे, अगर हमारी जेब से कोई कॉस्ट गई, कॉस्ट मेजर कर सकते हैं रिलायबली, और कॉस्ट मेटीरियल भी है और उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, तब जाकर हम क्या करते हैं उसको बुक्स में लेकर के आते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग किस टाइम पर, ये बात हमें कब चेक करनी है कि बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, एक तो बेटे खरीदते हुए एट द टाइम इनिशियली, जब फर्स्ट टाइम असेट्स हमारे हाथ में आ रहे इनिशियली, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन या एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, जब या तो हम खरीद रहे हो या फिर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे, ठीक है जी। और दूसरा कब, जब हम उसकी सर्विस कर रहे हो या रिप्लेसमेंट पार्ट कर रहे हो, तब हम लोग चेक करते हैं, ये हमने बात पढ़ी थी। अगली बात मैंने आपको बताई थी क्या, कुछ इंपॉर्टेंट नोट हमें ध्यान में रखने थे कि भाई डे टू डे सर्विस के अगर कोई खर्चे हैं तो डिपेंड करता है क्या ये अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। खैर डे टू डे सर्विस में तो कोई ऐसी बात चेक करने की जरूरत नहीं, डे टू डे सर्विस तो नाम ही उस चीज का है कि भाई डेली यूज के जो नॉर्मल खर्चे हैं तो वो भाई वो हमारा रिपेयर मेंटेनेंस बनकर के कहां जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में,
कहाँ जाएंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तुम लोग दवाई लेते हो मेरे को दिलाते हो। स्पेयर पार्ट्स, भाई प्रिंस कहाँ घुस गए तुम बेटा? वीडियो बंद कर रखी तुमने? हाँ शानू ऑफिस में हो क्या? जल्दी बताओ। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, फिर वीडियो बंद रखो। आओ जी, स्पेयर पार्ट्स और स्टैंड बाय इक्विपमेंट ध्यान रखना, ये अभी यूज नहीं हुए, ये हमने रख रखे हैं कि हमें जरूरत पड़ी तो हम इनको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, अगर ये सेटिस्फाई करते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कंडीशन, क्या कॉस्ट लगी है, हैंड फॉर यूज है और एक्सपेक्टेड टू बी यूज 12 महीने से ज्यादा है, तो ये हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, अदरवाइज क्या बन जाएगा, हमारा इन्वेंट्री बन जाएगा। बहुत जरूरी है इसकी क्यूमुलेटिव नॉलेज रखना, वरना बेटे आगे पढ़ते जाओगे पिछले भूलते जाओगे। रिप्लेसमेंट ऑफ सम पार्ट्स, जब हम रिप्लेस कर देते हैं, एक तो है कि हमने स्टैंड बाय में रख रखा है और दूसरा है कि नहीं नहीं हमने स्टैंड बाय में नहीं रखा, जब हमें जरूरत होती है हम क्या करते हैं, खर्चा कर देते हैं और पार्ट चेंज कर देते हैं जी। अगर पार्ट चेंज हुआ तो फिर से हमें देखना पड़ेगा उस पार्ट के चेंज होने से क्या वो ओरिजिनल से भी बेहतर परफॉर्मेंस देने लगी, तब तो हम क्या करेंगे उसको कैपिटलाइज करते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते, यानी कि अगर वो सेटिस्फाई करती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ते हैं और उसकी कॉस्ट है, ठीक है ना, तो भाई हम क्या करेंगे उसको कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, फिर हमने लास्ट पढ़ी थी क्या, रेगुलर और मेजर इंस्पेक्शन, रेगुलर और मेजर इंस्पेक्शन। भाई अगर मान लिया हमने को मेजर इंस्पेक्शन कराया, अगर वो सेटिस्फाई करती है कंडीशन तो ठीक है, अदरवाइज वो कहा जाएगा प्रॉफिट लॉस। यहां तक हमने लास्ट क्लास में बात की थी, आइए जरा आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बढ़ते हैं बेटे आगे और हेडिंग डालिए फटाफट से, कि जो इतना ये चिल्लाए जा रहे हैं बार बार, कभी कुछ और कभी कुछ, कि हम उसको बुक्स में ले आएंगे या फिर हम प्रॉफिट लॉस में लाएंगे, जब बुक्स में लाएंगे तो हम किस चीज पे लाएंगे, हम लोग कॉस्ट पे लाएंगे। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात और मुझे बतानी है, मेजर इंस्पेक्शन में देखो बेटे होता क्या है, हम लोग जब भी मेजर इंस्पेक्शन करेंगे, मेजर इंस्पेक्शन करने का मतलब आप समझिए, मान लिया हमारी कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ता है उससे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये इंस्पेक्शन ना हमारे 4-5 साल में होते रहते हैं मशीनों के, इन सब चीजों के मेजर इंस्पेक्शन होते रहते हैं। इस केस में हम जब बात करें कि अगर वो सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन तो हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ले जाएंगे, तो इसके बारे में मैं कुछ बात लिखा रहा हूँ, स्टार वन, मैं किसके लिए लिखा रहा हूँ, इसके लिए कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जब जाएगा तो कैसे जाएगा। ठीक है, आइए जी, तो स्टार वन करके मैं जो बात यहाँ पे लिखा रहा हूँ वो इसके लिए है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है देखो, व्हेन ईच मेजर इंस्पेक्शन, जब भी कोई मेजर इंस्पेक्शन किया जाएगा, इज परफॉर्म देन कॉस्ट ऑफ सच मेजर इंस्पेक्शन इज एडेड टू द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैरिंग अमाउंट, यानी कि जो बुक में जो वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट बुक्स में हम क्या करेंगे उसकी जो भी बुक वैल्यू है उसमें हम उसको जोड़ देंगे। और यही तो मतलब होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिकॉग्नाइज करने का, कि हम क्या करेंगे ऐसे में उसको बुक्स में जोड़ देंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अच्छा लेकिन एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगी, क्या, इट इज आल्सो टू बी नोटेड, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पहले इंस्पेक्शन हुआ था फिर उसकी अमाउंट को वहां से हटा दो बुक से, क्योंकि जो नया इंस्पेक्शन हुआ है उससे फर्दर वैल्यू एडिशन होगा, तो भाई पुराने वाला तो गया ना, पुराने वाले की वैल्यू बैठा हो। आइए जरा लिखिए, क्या लिखेंगे, इफ
बल्कि इसको इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट एनी कैरिंग अमाउंट दैट इज बुक वैल्यू related to cost of last inspection is de-recognized का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है जी? That is fixed assets से हटा करके हटा देंगे, मतलब fixed assets से property and plant and equipment से हटा करके, इसको ऐसे लिखो, fixed assets ना लिखो, property plant and equipment, property plant and equipment से हटाकर P&L भेजना, P&L भेजेंगे, इसका ये मतलब होता है डी रिकॉग्नाइज का मतलब कि भाई उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ने जो रिकॉग्नाइज किया था वहां से डी रिकॉग्नाइज कर दो, आप उसको वहां से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से हटा दो और कहां भेज देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी कि वो हमारा एक खर्चा बन जाएगा, पिछले वाला तो पूरा खत्म हो चुका है इंस्पेक्शन। किसी को कोई दिक्कत? चलू मैं आगे, आइए आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग ना कुछ एक दो क्वेश्चन करते चले। एक दो क्वेश्चन करने का मतलब है कि हमें जो है स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन खोलना है जी। बस एक मिनट लाओ, मैं बुक को ले आता हूं जी स्क्रीन पे। बेटे फटाफट से अपनी बुक खोलो और बुक का स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 सर आप ही दिखा दो सर, पता नहीं बुक अभी कहाँ रखी है। अच्छा कोई नहीं, मैं लेके आता हूँ, मैं स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ बुक। तो बेटे अच्छा ये तो AS1 है, तो हमें चाहिए AS10। क्वेश्चन नंबर 1 इलस्ट्रेशन नंबर 1 पहले मुझे बताओ क्लियरली विजिबल है या और जूम करूं? एकदम क्लियर होना चाहिए। जरा सा भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि क्लियरली विजिबल नहीं है तो प्लीज मुझे बता देना। सही है सर, सही है। चलो देखो बेटा ध्यान से पढ़ो इसे, बस थोड़ा सा जूम आउट कर दीजिए। आपने शायद मैं एक पेज काट दिया थोड़ा सा, मैं हटा देता हूँ। 1 2 3 पढ़ो बेटे, देखो क्वेश्चन क्या कहता है।
एंटिटी ए क्या है, इस सुपरमार्केट चेन इज रिनोवेटिंग। बेटे कल हमने पढ़ा था रिप्लेसमेंट रिमॉडलिंग, काफी सारे हमने खर्चे पड़े थे। एक काम करो मैं फुल स्क्रीन पे लेके आता हूँ, आप लोग पहले एक क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, और मैं ले आया जी यहाँ पर फुल स्क्रीन पर। पढ़ो जी पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट किया था पिछली क्लास तक का, जो हमने रिवाइज किया है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग ना इसको एक बार रिवाइज करें अच्छे से। रिवाइज करके अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी भी साथ साथ में जरूरी हो गई है। पढ़ लिया, आओ मेरे साथ, अब मेरे साथ पढ़ो। एंटिटी ए कोई बिजनेस एंटिटी है, एक सुपरमार्केट चेन है, ठीक है, इज रिनोवेटिंग वन ऑफ इट्स मेजर स्टोर्स। इसके काफी सारे स्टोर रहे होंगे, उनमें से जो इसका एक मेन स्टोर है वो क्या कर रहे हैं, वो उसको क्या कर रहे हैं, रिनोवेट कर रहे हैं। द स्टोर विल हैव मोर अवेलेबल स्पेस। पहले स्टोर में हो सकता है सारा का सारा प्लेस, मतलब सारी दवाई लेने लग रही, मतलब एक तो ऐसा हो जो दवाई नहीं ले रहा हूं। लो भाई सुपर चेन मार्केट है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि वो रिनोवेट कर रहे हैं जी अपने मेजर स्टोर को। स्टोर विल हैव मोर एडिशनल स्पेस, ठीक है ना। इन स्टोर प्रमोशन आउटलेट आफ्टर द रिनोवेशन एंड विल इंक्लूड रेस्टोरेंट, और वहां पर एक रेस्टोरेंट भी बन जाएगा जी, स्पेस खाली हो जाएगा, वहां पर बैठ जाया करेंगे कस्टमर, तो ज्यादा कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे एक तरह से देखा जाए तो। मैनेजमेंट इज प्रिपेयरिंग द बजट फॉर द ईयर आफ्टर द स्टोर रीओपन्स, ठीक है जी। मैनेजमेंट एक बजट बना रहा है इस बात का कि जब स्टोर रीओपन होगा तो हम ये काम करना शुरू कर देंगे, विच इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ रीमॉडलिंग एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ, भाई जिसकी कुछ रिमॉडलिंग की कॉस्ट आएगी। रिमॉडलिंग मतलब बेटे एक तरह से रिनोवेशन हो रहा है, एक तरह से जैसे हम लोग घर में करते रहते ना, चलो भाई ये सेफ इधर रख दो, ये सोफा इधर रख दो, थोड़ा सा कुर्सी इधर कर दो, ये फ्रिज यहाँ पे रख दो, स्पेस बनता चला जाएगा और हम लोग और बेहतर तरीके से घर में रह सकेंगे। ऐसे बेटे बिजनेस की बात है, वहां पर भी वो रिमॉडलिंग कर रहे हैं और वहां पर रिमॉडलिंग का हिसाब किताब क्या होगा, कुछ स्पेस और एडिशनल बन जाया करेगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा, वो स्पेस यूटिलाइज करेंगे, मैनेजमेंट ने हिसाब किताब लगा लिया क्या करेंगे जी वहां पे, कह रहे उससे जो है ना इस कोस्ट से एक काम हो जाएगा, क्या होगा, रिनोवेशन की कोस्ट खर्च करने से, रिमॉडलिंग की कोस्ट खर्च करने से कह रहे 15% इंक्रीज हो जाएगी हमारी सेल में, और जिससे नए कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। स्टेट अब ये बताना है कि ये जो कोस्ट खर्च कर रहे हैं इसको उनको कैपिटलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बच्चों आप बताएंगे मुझे। बोलो जी, सब करना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने, करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी देगा और हमने कॉस्ट भी इनकर करी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए इन्हीं बातों को यहाँ पे लिखना है, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम इलस्ट्रेशन नंबर वन। सबसे पहली बात बोलो क्या लिखोगे, वही जो शुरू से लिखते आ रहे हो, क्या बोलो बोलो, सच प्रॉब्लम रिलेटेड, वेरी गुड, यस, सच प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब बेटे AS 10 का हमें वो वाला पोर्शन यहां पे लिखना है, क्या कहा मैंने, AS 10 का हमें वो वाला पोर्शन यहां पे लिखना है जिससे कि हमारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड प्रोविजन हमारे सामने आ सके। इलस्ट्रेशन नंबर कहां गया, पेज पलट गया, समझे मेरी बात,
हमें वहां पर प्रोविजन जो लिखना है वो इस तरह से लिखना है कि रिलेवेंट प्रोविजन हम लोग वहां पे लिखें। बताओ भाई कैसे लिखोगे? एज पर AS 10 क्या इफ एनी एक्सपेंस इज डन एंड इफ सच एक्सपेंस सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देन सच कॉस्ट या सच एक्सपेंस मस्ट बी कैपिटलाइज्ड। इसको कैपिटलाइज किया जाना चाहिए। ऐसे लिखा होगा एग्जाम में तो नंबर पूरे आएंगे। नंबर थर्ड हेडिंग, थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं जी इस वाले केस की, मतलब हमने बता दिया यहां पर इन द मतलब एज पर AS 10 क्या है जी। ठीक है बेटे, लो में भी ऐसे होता है, लो का भी क्वेश्चन आएगा तो भी आपको ऐसे ही करना चाहिए। सर प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू फलाना, ये जो भी हमारा रो का पॉइंट है, फिर वहां पे लिखो एज पर सेक्शन दैट, फिर लिखो इन द केस स्टडी, इन द गिवन केस। ऐसे ही बेटे बिल्कुल लो की प्रेजेंटेशन है, ये भी तो एक लो एक तरह का अकाउंट्स का लो ही तो है। आइए, इन द गिवन केस, इन द गिवन केस भाई इस वाले केस में क्या है, आइए जरा। सिंस कॉस्ट इनकर्ड बाय सुपरमार्केट चेन सेटिस्फाई कॉस्ट इनकर्ड बाय सुपर मार्केट चेन सेटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ बीइंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हेंस इट मस्ट बी कैपिटलाइज्ड एज नंबर वन देयर विल बी ए कॉस्ट नेक्स्ट देयर विल बी इंक्रीज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देयर विल बी इंक्रीज इन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नंबर थ्री एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली और कॉस्ट रिलायबली मेजर की जा सकती है। लास्ट हेडिंग कंक्लूजन। सो वी कैन से कॉस्ट ऑफ रिमॉडलिंग should be capitalized की जानी चाहिए। such should be capitalized। कोई दिक्कत बेटे किसी बच्चे को?
चलो मैं आगे। सर वो क्वेश्चन दिखा दीजिएगा एक बार बेटा, आईसीए का स्टडी मैट है, डाउनलोड कर लो ना आप, एक बार सॉल्यूशन पहले लिख लो। सॉरी सर, क्वेश्चन नहीं आंसर, जो सॉल्यूशन आपने किया है लास्ट का। हो गया बेटा जी सर। आइए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर टू। तो बेटा मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर टू। क्वेश्चन क्या कहता है जी, व्हाट हैपन, क्या होता है इफ कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर, सॉरी उधर चला गया, कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस पार्ट या प्रीवियस इंस्पेक्शन वाज नॉट आइडेंटिफाइड इन द ट्रांजैक्शन इन विच द आइटम वाज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। नहीं समझे, देखो इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, पहले आप पढ़ो फिर मैं पढ़ता हूँ। सर एक सेकंड के लिए उसका सलूशन दिखा देना, एक जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन थी। तो मैं दिखा देता हूँ, आओ जी अब इधर आओ जी, जल्दी से फटाफट से पढ़ो क्वेश्चन नंबर टू। हो गया पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट हैपेंस इफ कॉस्ट ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन वाज नॉट आइडेंटिफाइड इन द ट्रांजैक्शन इन विच द आइटम वाज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। क्वेश्चन ये आपसे क्या कहता है जी कि भाई देखो, पहले तो ऊपर देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ो, यहाँ पे स्टडी मेट हमारा क्या कहता है, व्हेन ईच मेजर इंस्पेक्शन इज परफॉर्म इट्स कॉस्ट इज रिकॉग्नाइज इन द कैरिंग अमाउंट। उसको क्या करते हैं कैरिंग अमाउंट में जोड़ देते हैं अगर रिकॉग्नाइजेशन का क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है, ठीक है ना, हैंड फॉर यूज मोर देन एक्सपेक्टेड वगैरह वगैरह, और कॉस्ट इनकर हुई और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हमारा मेजर इंस्पेक्शन परफॉर्म हुआ तो हम क्या करते हैं उसको कॉस्ट में, उसकी कॉस्ट को रिकॉग्नाइज कर देते हैं कहां पर, कैरिंग अमाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात क्या कहता है, एनी रिमेनिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रीवियस इंस्पेक्शन, अगर कोई भी पिछले वाले इंस्पेक्शन की कोई कॉस्ट हो, अगर वो उसकी कोई भी बुक्स में वैल्यू पड़ी हुई है अभी एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम फिजिकल पार्ट, फिजिकल पार्ट के अलावा, तो कहते हैं उसको डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं। डी रिकॉग्नाइज कर देते हैं मतलब उसको पीएनएल में भेज दिया जाता है यहां से हटा करके, यानी कि इसका मतलब क्या है, नया इंस्पेक्शन जो आएगा वो तो जुड़ जाएगा और पुराने वाला चला जाएगा। तो जरा देखो बेटे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर टू ये इसी के रिगार्डिंग पूछ रहा है, इंस्पेक्शन से रिलेटेड। बेटे क्वेश्चन को जब तक नहीं करेंगे क्वेश्चन से हमारी दोस्ती नहीं होगी, और हमें क्वेश्चन से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। पॉइंट पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, साथ में उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अदरवाइज बेटे एएस गया, और नहीं तो बहुत मजबूत हो जाएगा अगर आप क्या करोगे साथ साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, टॉपिक खत्म उसकी तुरंत प्रैक्टिस। देखो जरा क्या कहते हैं, व्हाट हैपेंस इफ, कि क्या होगा अगर पिछले वाले इंस्पेक्शन को
हमने आइडेंटिफाई नहीं किया ट्रांजेक्शन में, जिस ट्रांजेक्शन में ये जब हमने ये एक्वायर किया गया था। बेटे एएस ने एक बात बोली साफ साफ कि कोई भी अगर उसकी बुक्स में वैल्यू है पिछले वाले की तो हम क्या करेंगे उसको रिमूव कर देंगे। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कहता है, डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑकर्स, कहते हैं डी रिकॉग्नाइजेशन होगा। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इंस्पेक्शन को आइडेंटिफाई किया था या नहीं किया था एट दैट टाइम, यानी कि आपको उसको डी रिकॉग्नाइज करना ही करना है। क्लियर, पक्का पॉइंट क्लियर है कि नहीं? प्रिंस, समय, शानू प्लीज मुझे बताएं। जी सर। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 3, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट विल बी योर आंसर इन द अबो, कि आपका इसमें क्या आंसर होगा अगर ये प्रैक्टिकेबल नहीं है फॉर एन एंटरप्राइज टू डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट ऑफ रिप्लेस्ड पार्ट या फिर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ दैट इंस्पेक्शन। तो ध्यान से देखिए एएस क्या कहता है इसके बारे में, कहते हैं इट मे यूज द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फ्यूचर सिमिलर इंस्पेक्शन एज इंडिकेशन ऑफ व्हाट द कॉस्ट ऑफ रिप्लेस पार्ट और एग्जिस्टिंग इंस्पेक्शन कंपोनेंट वाज व्हेन आइटम वाज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, कुछ भी नहीं आया होगा, एक बार पहले तुम पढ़ो। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो, पहले क्वेश्चन का समझना जरूरी है, क्वेश्चन में समझाता हूँ। कहते हैं बताओ भाई अगर इसी केस में जो भी हमने बात की, क्या बात की बताओ हमने पहले, हमने बात की कि अगर पिछले वाले इंस्पेक्शन की कॉस्ट को हमने बुक्स में नहीं जोड़ा था, ठीक है, तो अब जब नया इंस्पेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 साफ कहता है कि भाई उसको डी रिकॉग्नाइज करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कहता है, आपका क्या आंसर होगा फिर अगर अगर ये प्रैक्टिकली ना हो, क्या कि हम उस रिप्लेस पार्ट की कैरिंग अमाउंट को निकाल सके जिसको हम डी रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। समझे, क्वेश्चन समझ में आया कि आप कह रहे हो कि ठीक है डी रिकॉग्नाइज कर दो, डी रिकॉग्नाइज होके रहेगा चाहे आप उसकी पहले वाली कोस्ट को ऐड करके आए हो या नहीं करके आए हो। तो अब ये बताओ आपका क्या आंसर होगा अगर आप डी रिकॉग्नाइज करना तो चाहते हैं लेकिन उसकी कैरिंग अमाउंट फाइंड कर ही नहीं पा रहे, डिटरमाइन कर ही नहीं पा रहे। ऐसा कब होता होगा, जब कोर्स इस तरह की हो कि वो जुड़ी हुई हो और हम सेग्रीगेट ना कर पा रहे हो। देखिए जरा, इट में यूज द कोर्स ऑफ, कहते हैं कि भाई इसी तरह की जो सिमिलर इंस्पेक्शन कहीं और होती होगी उसका तो पता चल जाएगा, ठीक है ना, इसी तरह की जो सिमिलर इंस्पेक्शन किसी और जगह पे हुई होगी। जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने क्या किया, आपने बात की किससे बात की जी, आपने बात की इन्वर्टर वाले से और इन्वर्टर वाले ने आपके यहाँ पे इन्वर्टर लगाया। इन्वर्टर तो बहुत छोटी सी चीज है, क्यों भाई, इन्वर्टर तो बहुत छोटी सी चीज है, क्या हुआ इन्वर्टर वाले ने आपके यहाँ पर इन्वर्टर लगाया। इन्वर्टर लगाने के बाद में वो रख के चला जाएगा कि बस ऐसे ही बस जोड़ लो जी अपने आप, जी नहीं, लगाएगा भी, उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन भी करेगा और जब बिल्कुल एकदम रेडी फॉर यूज हो जाएगा, जब आप उसको बटन दबाना शुरू कर दोगे तब वो जाएगा यहाँ से, अदरवाइज आप पैसे क्यों दोगे। तो सवाल ये है कि अगर मान लिया उसने बोला कि भाई मैं इंस्पेक्शन के चार्ज अलग से लूंगा, उसने बोला कि मैं इंस्पेक्शन के चार्ज जो है बिल्कुल अलग से लूंगा आपसे, तो आपको पता थे कि इंस्पेक्शन के चार्ज कितने हैं और इन्वर्टर के चार्ज कितने हैं। लेकिन अगर मान लिया आपसे कंबाइंड में कॉस्ट चार्ज की गई और आपको पता ही नहीं है कि कितने इंस्पेक्शन के नाम के हैं और कितने नाम के हैं आपके किस चीज के, इन्वर्टर के, वो इकट्ठा उसने कंपोजिट आपसे चार्ज किया, तो आप मुझे एक बात बताओ, तो क्या आप पता लगा पाओगे, मतलब ही नहीं बैठता। तो यहां पर बात आती है, क्या ये इंस्पेक्शन किसके रेस्पेक्ट में, आप समझो इन्वर्टर तो बहुत छोटी चीज है, बात है फैक्ट्री की, बड़ी फैक्ट्री की, अंबानी बन के सोचना है, इतनी बड़ी टाटा बन के सोचना है, तब आपको इस पॉइंट के बारे में क्लियर होगी चीजें। क्या अगर मान लिया इतनी बड़ी फैक्ट्री है और वहां पर इंस्पेक्शन बहुत ही मेजरली कराए जाते रहते हैं बार 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 बार, क्योंकि वहां पर उनकी बहुत जरूरत होती है, तो बेटे ऐसे केस में आप मुझे एक बात बताओ, वो जो इंस्पेक्शन हो रहे हैं, नए वाला इंस्पेक्शन हो रहा है, उसकी बदौलत मशीनरी बनी रहेगी ना, अच्छे से परफॉर्म करेगी ना, मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे ना। अगर ऐसा है, अगर ये बात है, तो हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जोड़ना चाहेंगे, और अगर ऐसी बात नहीं है तो सीधा कहां पे फायर करेंगे उसको, प्रॉफिट एंड लॉस में, सीधी सी बात है।
अब मान लिया आपका जवाब है ओके है कि हाँ सर ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाने लायक बात है, क्यों? क्योंकि वो सारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे, कॉस्ट तो लगी रही है और वो एक्सपेक्टेड टू बी यूज मोर देन 12 मंथ होंगे, मतलब कुल मिलाकर बात है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाना है। अब क्या हुआ, पहले आपने क्या किया वो आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया आपने बुक्स में, ठीक है ना, और बाद में क्या हुआ आपने फिर इंस्पेक्शन का टाइम आया दोबारा से और क्या हुआ बेटे इंस्पेक्शन करा रहे हैं, सेकंड वाला इंस्पेक्शन चल रहा है, मेजर इंस्पेक्शन, आपने कहा भाई ये तो कैपिटलाइज होने लायक बात है, इससे परफॉर्मेंस बढ़ेगी, लेकिन पुराने वाले इंस्पेक्शन के चार्ज हमें हटाने, क्या करने हैं पुराने वाले इंस्पेक्शन के चार्ज हटाने हैं। मान लिया दूसरे वाले इंस्पेक्शन के चार्ज 1,25,000 रुपए है, 1,25,000, और पुराने वाले इंस्पेक्शन के चार्ज कितने थे 80,000, तो आपको 80 हटाना है और 1,25,000 को बुक्स में लाना है, कैरिंग अमाउंट में जोड़ना है। लेकिन अगर आप पुराने वाले 80 को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, इलस्ट्रेशन नंबर 2 इस बात के लिए है, किस बात के लिए कि अगर आप नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हैं, किसको नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हैं, किसको नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हैं जी, अगर आप नहीं कर पा रहे डिटरमाइन किसको, पढ़िए जरा दोबारा से, आप इलस्ट्रेशन नंबर 2 को एक बार फिर से पढ़े, व्हाट हैपन इफ कॉस्ट ऑफ प्रीवियस पार्ट वाज नॉट आइडेंटिफाइड इन द ट्रांजैक्शन, कहते हैं भाई डी रिकॉग्निशन तो होके रहेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़िए, क्या कहता है, व्हाट विल बी योर आंसर इन द अबव क्वेश्चन इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकल प्रैक्टिकेबल फॉर एन एंटिटी टू डिटरमाइन क्या डिटरमाइन करना, कैरिंग अमाउंट ऑफ रिप्लेस पार्ट या फिर इंस्पेक्शन, पहले जो पार्ट हमने रिप्लेस किया या पुराना जो इंस्पेक्शन है हमने उसको जो डील किया पुराने इंस्पेक्शन की, अगर हम वैल्यू ही नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप मुझे बताओ फिर ऐसे केस में हम कैरिंग अमाउंट को कैसे हटा देंगे पुराने वाले इंस्पेक्शन को। बेटा ऐसा कब होगा केस, पहले तो इस बात पे जोर मैंने आपको दिया, ऐसा केस कब आएगा जब हमसे कंपोजिटली अमाउंट चार्ज किया गया होगा, हमें पता ही नहीं होगा इंस्पेक्शन कितना है और कितना ओरिजिनल असेट्स का अमाउंट है। बोलो बेटे बात समझ में आ रही है, पक्का? तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, सॉल्यूशन देखो, ये बात कह रहा है कि भाई इसी तरह का किसी और ने तो इंस्पेक्शन कराया होगा मार्केट में, सिमिलर जो इंस्पेक्शन के वो क्या चार्ज लेते हैं जिसको हम अलग नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमसे तो कंपोजिट चार्ज हुआ, क्या हुआ हमसे कंपोजिट चार्ज हुआ। तो भाई ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सिमिलर ट्रांजेक्शन पढ़िए, इट मे यूज द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फ्यूचर सिमिलर क्या इंस्पेक्शन एज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट द कॉस्ट ऑफ रिप्लेस पार्ट और एग्जिस्टिंग इंस्पेक्शन कंपोनेंट वाज, कि उस टाइम पर कितने रुपए की कॉस्ट इसी तरह की दूसरी जगह पर आती थी जब सिमिलर इंस्पेक्शन किया जाता था, जो इसके अंदर जुड़ी हुई होगी हमसे भी उतने लिए गए होंगे, फिर उसको आप बेस बना करके तब आप कैरिंग अमाउंट निकालोगे, फिर आप उसको डी रिकॉग्नाइज करोगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई है, हालांकि मुझे लगता नहीं कि आपको ये बात पूरी तरह समझ में आई है। आइए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जी, आइए। हाँ जी सर, दोनों रुक जाइए सर। हाँ नहीं सर, वो बस फेस पे थोड़ा पानी मार गया है, नींद से आ रही है। मुझे पता है नींद आ रही है, प्रिंस ने तो बत्ती बुझा ली, क्यों भाई प्रिंस? हाँ नहीं फिर जला ली भाई, शानु बेचारी सो नहीं सकती वो ऑफिस में है, शानु कोशिश करो, शानु शायद नहीं सो सकती। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा इसके बारे में, एक एग्जांपल लेते हैं। एक्चुअली क्या है, हमें यहां पर ना थोड़ा सा इंजीनियर बन के सोचना है, अपने आप को मानो कि तुम बहुत बड़े इंजीनियर हो, और तुम बल्कि मैं तो कहता हूँ मेट्रो वाले इंजीनियर, मेट्रो रेल बन रही है कि नहीं बन रही है? हाँ बन रही है, अभी तो गाजियाबाद से लेकर के ये जा रही है सहारनपुर तक, कौन सी रेल जा रही है, ठीक है ना, फास्ट रेल जा रही है, समझ लो कि तुम उसके इंजीनियर हो, और तुम्हें बताया गया कि तुम्हें जो है ना क्या करना है, ये मेट्रो के पिलर है बेटे, एक निश्चित दूरी पर ये पिलर होते हैं, आपको पता है एक निश्चित दूरी, आप देखोगे दूरी उनके बीच में क्या होगी, बराबर बराबर होगी बेटे, उनके ऊपर क्या करते हैं ऐसे बने बने स्लॉट वो डाले जाते हैं मेट्रो बनाते हुए, फिर अगला स्लॉट डाला गया इंटरलॉक करके,
फिर ऐसे ही अगला स्लोट डाला गया इंटरलॉक करके। बेटा ये अगर एक बार भी गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा आपको बताइए कितना भयंकर नुकसान हो सकता है। तो ये काम जो है ना बहुत ही सिस्टमेटिकली किया था। ये मेट्रो का चार्ट है, मेट्रो बन रही है, इसके ऊपर रेल दौड़ेगी इस ट्रैक के ऊपर। ये रही जी मेट्रो, दौड़नी शुरू हो गई। बेटे बस एक बार कर दिया तो हो गया क्या बताओ? नहीं ना, बार बार वहां पर चेकिंग होती रहेगी कि नहीं होती रहेगी मुझे बताओ, है ना? मैं तो कहता हूँ पता नहीं कितने मेजर इंस्पेक्शन होते हो, सोच के देखो जरा। और वो जो खर्चा मेजर इंस्पेक्शन पे वो कराएंगे, वो एक एक लोक को चेक कराएंगे, एक एक बिल्कुल तार को चेक कराएंगे, एक एक चीज को, मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसे माइन्यूटली इतनी बारीकी से चेक करेंगे जैसे कि दोबारा चीजें बनाई जाती। बोलो है कि नहीं? जान का मामला है भाई, ऐसे थोड़ा। अच्छा दूसरी बात, उससे उनको क्या फायदा होगा भाई फ्यूचर के लिए? आपको पता है कि मेट्रो ट्रेन दिन रात चलती रहती है, ठीक है ना? हाँ वो एक अलग चीज है कि भाई एक टाइम लिमिट के बाद में शाम को रोक दिया जाता है, लेकिन बेटे यूज तो कंटिन्यू रहती है ना, तो आपको पता है ना वो डेप्रिशिएट हो रही होगी बहुत तेजी से, बिल्कुल हो रही होगी, लेकिन साथ साथ रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है। तो मैं आपसे ये जो कहना चाह रहा हूँ क्या है बेटे, इसका एक एक्सपेंस किया जा रहा है, जो एक्सपेंस इसकी लाइफ में पता नहीं कितनी बार होगा, वो है बेटे मेजर इंस्पेक्शन का। मेजर इंस्पेक्शन का, किसका? मेजर इंस्पेक्शन का। और वो खर्चा बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगी नहीं, अदरवाइज इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होगा। ये मेजर इंस्पेक्शन मान लिया 3 साल में एक बार कराया जा रहा है, मान लिया बिल्कुल इतनी बारीकी से जैसे कि मेट्रो दोबारा बनाई जा रही है, तो ये जो खर्चा है ये कैपिटलाइज होगा कि नहीं होगा? पहले तो मुझे इस बात का आंसर दो, आपको बताओ बेटे ये खर्चा कैपिटलाइज होगा कि नहीं होगा, मुझे इस बात का आंसर आपसे चाहिए। अभी तक जो हमने एस पढ़ा उसके बारे में, जो आपकी जानकारी है उसके बेसिस पर, हल्के में मत लेना, ये इंडियस है, एस तो हम बोल बोल के पढ़ रहे हैं, अब बड़ा प्यारा है जी। बताओ बेटे ये कैपिटलाइज होगा कि नहीं होगा इसका खर्चा? हाँ या ना कुछ तो बोलो। सर नहीं। प्रिंस तुम बताओ, शानू सर इसमें ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को इस्तेमाल हो लेना रहा है। सर हाँ। प्रिंस होना चाहिए सर, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो नहीं हो रहा सर, हो रहा है क्योंकि सर वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं तभी तो वो लंबे समय तक चलेगा। ये बात वेरी गुड बेटा, होगा ये मेजर इंस्पेक्शन से। आपको क्या चेक करना है सबसे पहली बात, कॉस्ट इनकर हो रही है? हाँ जी। रिलायबली इनकर हो रही है? यस, मेजर भी हो रही है। क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे? हाँ जी। अब सवाल ये है, आप बताओ ये मेजर इंस्पेक्शन से अब अगले 3 साल के लिए रेल सिक्योर हो गई, मेट्रो रेल 3 साल के लिए सिक्योर हो गई। हाँ भाई, लेकिन रेवेन्यू तो उतना ही आ रहा है ना जितना पहले आ रहा था, कोई उसमें इंप्रूवमेंट तो हो नहीं रही ना। एक्चुअली इशू क्या है ना, इससे पहले कि मेट्रो को उतारे और फिर नई मेट्रो लाए, हमें क्या करना है मेजर इंस्पेक्शन के जरिए, इसमें जहां कमी है उसको रिपेयर पार्ट्स तो होंगे होंगे, लेकिन वो पार्ट्स रिप्लेसमेंट और वो मेजर इंस्पेक्शन इस मेट्रो को फिर से ताजा कर देंगे, फिर ये अगले 5 साल तक काम करेगी, वरना मान ले 5 साल इसके खत्म हो गए सपोज कर। बात में समझ गए ना, ये है चीज। तो ऐसी इंस्पेक्शन ऐसा मेजर इंस्पेक्शन, एक होता है सिंपल इंस्पेक्शन जिससे डेली इंस्पेक्शन चलता रहे, भाई साफ सफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, भाई कोई तार वार लूज तो नहीं है, भाई जो उसमें डब्बे में जो भी नीचे व्हील वगैरह है वो सब टाइट वाइट है कि नहीं है, कोई बोल्ट वोल्ट है तो कस दो, वो तो दीज आर द नॉर्मल इंस्पेक्शन। मेजर इंस्पेक्शन भाई एक सिरे से रेल को समझ लो दोबारा बनानी पड़ सकती है, आप देखो कहां पर बनाने की जरूरत है, सिर्फ वो वाला पार्ट चेंज करो जी, वरना हमें मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी सारे के सारे मेट्रो। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई मेजर पार्ट वहां पर चेंज हुआ या मेजर इंस्पेक्शन हुआ तो कैपिटलाइज होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ? होगा ना, क्यों होगा? होगा, क्योंकि वरना ट्रेन बेकार होने वाली है, हमें नई ट्रेन लानी पड़ेगी, इसका मतलब इसकी बदौलत, इस रिप्लेस पार्ट की बदौलत, ठीक है ना, हमारी फिर से। आप इसको ऐसे मान लो एग्जांपल, जैसे कि कंप्यूटर है, आपने उसका मदरबोर्ड ही चेंज कर दिया, बताओ मदरबोर्ड अगर चेंज करेंगे तो कंप्यूटर क्या होगा? बाकी सब कैबिनेट वैबिनेट सब सही है, बाकी सब चीजें सही है और सब चीजें सेम है, सीपीयू भी सेम है, उसका पूरा मदरबोर्ड वो
प्रोसेसर उस पर शिफ्ट कर दिया नए वाले मदरबोर्ड पे, तो आप बताओ लाइफ बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ गई, बढ़ गई, वरना क्या होता वो कंप्यूटर तो खत्म होने वाला था, ठीक है ना सर। लेकिन हाँ यहाँ पे मतलब यहाँ पे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट था, लेकिन यहाँ पे मनी के टर्म्स में नहीं आ रहा वो चीज। नहीं मैं आ रहा हूँ मनी के टर्म्स भाई, बिना एक्सपेंस किए, बिना आपने लेकिन सर उससे हमें और बेनिफिट मतलब रेवेन्यू बेनिफिट तो नहीं मिल रहा ना, मैं इंस्पेक्शन की तो उतने ही जितना रेवेन्यू। हाँ मैं इंस्पेक्शन की कोर्स की बात कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दिस मेट्रो को आगे जाने देंगे अगले 5 साल या अगले 3 साल, अदरवाइज वो नहीं जाएंगी, वरना रेल खड़ी रहेगी, हो सकता है इंस्पेक्शन में फेल हो जाए तो क्या होगा, जहां जहां पर पार्ट रिप्लेस होना है वो रिप्लेस होगा, तब जाके वो अगले 5 साल या 3 साल जो भी है काम कर पाए, ठीक है ना। ये जो खर्चा है बिकॉज ऑफ दिस मेजर इंस्पेक्शन, पता है इंस्पेक्शन से आप ये समझ रहे हो खाली कि इससे तो जो है ना बस एक काम हुआ है कि गया है देख करके आ गया, बस इंस्पेक्शन का मतलब है आप समझ लो सारी की सारी रेल दोबारा ही बन गई एक तरह से, पूरी की पूरी मेट्रो, ये समझ लो इतनी बारीकी से होता है। एनीवेज तो ये जो खर्चा है कैपिटलाइज करना है, ठीक है जी। लेकिन क्या हुआ, अब मान लिया इस टाइम पर जो खर्चा हुआ वो हुआ मान लिया बेटे 5 करोड़ का खर्चा हुआ, जब फर्स्ट टाइम ट्रेन आई थी क्या तब वहां पर खर्चा नहीं हुआ होगा, बताओ हुआ होगा ना, बिल्कुल हुआ होगा। तो वहां पर जो मेजर इंस्पेक्शन हुआ होगा उसकी कॉस्ट या तो हमें अलग से बताई गई होगी या फिर कंपोजिट चार्ज की गई हो, केस नंबर 1 अलग से बताई गई है, अगर अलग से बताई गई है और वो है मान लिया, अगर सपोज करो वो है मान लिया 2.5 करोड़ की, लेट सपोज करो स्टार्टिंग में, और वो आज आज जब आज की डेट में जब हम लोग मेजर इंस्पेक्शन करा रहे हैं, मान लिया उसकी कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू बच गई है 1.70 करोड़ इंस्पेक्शन की बुक की वैल्यू, तो बताओ भाई यहाँ पर एडिशनल कितना, 1.7 करोड़ को तो हटाया जाएगा और 5 करोड़ को उसकी कैरिंग अमाउंट में जोड़ा जाएगा क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस ये एडिशनल है। अब पता है क्या है, यहाँ पर एक चीज है जो अभी तक आपको पता नहीं है, उस वजह से आपको दिक्कत आ रही है, एक कंपोनेंट अकाउंटिंग, मैं बात पूरी करता हूँ कंपोनेंट। सर एक चीज बस, सर ये कॉस्ट वाली दोबारा समझा दीजिए 5 करोड़, ये थोड़ा सा बेटे 5 करोड़ आज की डेट पर हमने इंस्पेक्शन कराया जिसकी कॉस्ट है हमारी 5 करोड़, शुरू में इंस्पेक्शन हुआ था तब हुआ था हमारा 2.5 करोड़ का, लेकिन वो डेप्रिशिएट करते 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 इंस्पेक्शन की कॉस्ट WDV बुक वैल्यू आज की डेट में कितनी बची है 1.7 करोड़। तो हमारा जो AS कहता है वो ये कहता है कि ओल्ड वाली इंस्पेक्शन कॉस्ट को हटाओ, उसकी कैरिंग अमाउंट जो है बुक वैल्यू मतलब कैरिंग अमाउंट उसको तो आप कर दो रिमूव, उसको ट्रांसफर कर दो पीएनएल में, और जो नई है ये वाली नई इसको आप क्या करो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जोड़ दो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, अगर ये वाला इंस्पेक्शन है जो मेजर है जिसकी वजह से हमारी असेट्स आगे इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, ठीक है, अदरवाइज इसको भी हम कहां ट्रांसफर करते हैं पीएनएल में। अब अगली बात बेटे, बस एक छोटी सी बात है इसी एग्जांपल में, एक नई बात इन्होंने डाल दी जिसको इन्होंने बना दिया इलस्ट्रेशन नंबर 3 कि अगर हम लोग, अगर हम लोगों को ये पता है 2.5 करोड़ अलग से पता है तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि पहले कितना था तो फिर हम ये भी नहीं निकाल पाएंगे ना उसकी बुक वैल्यू आज की डेट में कितनी बची हुई है, बोलो है कि नहीं, बोलो बात समझ में आ रही है यहां तक। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि वो 2.5 करोड़ था तो बताओ क्या हम निकाल पाएंगे आज की डेट में उस 2.5 करोड़ की वैल्यू कितनी बची हुई है, मुझे इतनी बात बता दो पहले प्रिंस और समय। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि उस टाइम पर वो 2.5 करोड़ था तो उस पर डेप्रिशिएट लगते लगते वो आज की डेट में कितने का बचा, क्या हम ये पता लगा पाएंगे, मैं जरा आइए जी आगे बढ़ते हैं। बेटे किसी को कुछ पूछना है तो बताओ नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूं। यहां पर जो मेजर इंस्पेक्शन के बाद में एक और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल क्या है मतलब इसी को पूरा करते हैं,
अगर हमें 2.5 करोड़ नहीं पता चल रहा है तो हमें ये कैरिंग अमाउंट नहीं पता चल पाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमारा इसके लिए है, ये देखिए, व्हाट विल बी योर आंसर इन अबव क्वेश्चन इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर एन एंटरप्राइज टू डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट ऑफ रिप्लेस्ड पार्ट या फिर इंस्पेक्शन वाला पार्ट, उसकी कॉस्ट। कहने अगर तुम्हें इंस्पेक्शन की कॉस्ट नहीं पता चल पा रही है तो फिर कैसे करेंगे जी? देखो क्वेश्चन, देखो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ऐसे केस में हम क्या चेक करेंगे, इट मे यूज द कॉस्ट ऑफ रिप्लेस पार्ट या एग्जिस्टिंग इंस्पेक्शन कंपोनेंट एज एंड व्हेन एक्वायर्ड। भाई इसी तरह का सिमिलर जो इंस्पेक्शन हुआ करता था दूसरी जगह पर, भाई हम क्या करेंगे फिर उसकी कॉस्ट चेक कर लेंगे, क्या कर लेंगे उसकी कॉस्ट चेक कर लेंगे, जितना दूसरों के यहाँ पे हुआ होगा उतना ही हमारे यहाँ पर भी हुआ होगा, तो बेटे सिमिलर इंस्पेक्शन को वहां पर लेकर के तब हम डी रिकॉग्नाइज करेंगे। बात समझ में आ गई? आइए जी, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब आते हैं जी वापस अगला पॉइंट, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2 और इलस्ट्रेशन नंबर 3 हमारे हो गए जी। अब नया टॉपिक हमारा है इसके अंदर क्या, हमने जितनी भी अभी तक बातें की उसके बाद में अब देखो, ये था हमारा कौन सा नंबर 4, व्हेन टू रिकॉग्नाइज की बुक्स में कब रिकॉग्नाइज करेंगे, एक तो इनिशियली और दूसरा जब रिप्लेसमेंट हो। अब हम बात कर रहे हैं कॉस्ट की, आइए जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉस्ट, तो हेडिंग डालो फटाफट से, नंबर 5, नंबर 5, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक मिनट, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये जो हम चिल्ला रहे हैं बार बार कि कॉस्ट 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 कॉस्ट, हम अगर इनकर कर रहे हैं तो ही हम बुक्स में डालेंगे। बेटे ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आइए जरा इसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात देखो, कॉस्ट का मतलब क्या है, सबसे पहली बात है यहाँ पे मीनिंग क्या है बेटा, मीनिंग किसको बोलते हैं कॉस्ट, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, सबसे पहले तो ये है जी, मीनिंग ऑफ कॉस्ट भाई किसको बोलते हैं कॉस्ट, पहले तो इसको लिख लो देसी भाषा में, जो मैंने जैसे मैंने आपको इन्वेंटरी में लिखाया था क्या भाई, अब जो जेब से गया और वापस नहीं आया वो है हमारी कॉस्ट, सीधी सी बात है, लिखो जरा सा, पेड़ एंड नोट रिफंडेबल, नोट रिफंडेबल, वो होती है हमारी कॉस्ट, सबसे पहली बात और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो जेब से गया और वापस नहीं आया वो है हमारी कॉस्ट। अब जरा टेक्निकली बात कर लेते हैं, जैसे हमें ईएस बताता है वो क्या कहता है जी, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या चीजें हैं जी, इन्होंने बताई है दो चीजें, एक तो बताइए इंक्लूड्स और दूसरी बताइए एक्सक्लूड्स। कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इंक्लूड्स क्या क्या चीजें हैं जो वहां पर उसमें शामिल है, आइए जी सबसे पहली बात कहते हैं परचेज प्राइस, भाई कितने का खरीदा, परचेज प्राइस, सीधी सी बात है,
अब परचेज प्राइस के बारे में हम बात करेंगे, यहाँ पर स्टार लगा लो, इसी के बारे में हमें बात करनी है अलग अलग। कई बार क्या होता है, हम परचेज कर रहे होते हैं कैश में, कई बार होता है हम लोग परचेज कर रहे होते हैं शेयर्स देके, कई बार हम क्या कर रहे होते हैं परचेज कर रहे होते हैं कोई और असेट्स दे करके। तो इस तरह के कुछ केसेस हैं जो यहाँ पर आएंगे, ठीक है ना। पहले हम बाकी बातें निपटा लेते हैं, ठीक है ना, फिर हम परचेज प्राइस को पूरी डिटेल में बात करेंगे। सारी चर्चा हमारी आज परचेज प्राइस की चल रही है। तो सबसे पहली बात है कि कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या चीज शामिल है जी, उनकी लिस्ट यहाँ पे बन रही है, और किस किस को शामिल नहीं करेंगे जी, उनकी लिस्ट यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो इंक्लूड्स में आएंगे सबसे पहली बात परचेज प्राइस, नंबर टू और क्या है जी कॉस्ट में शामिल, कह रहे कोई भी खर्चा जो डायरेक्टली इनसे रिलेटेड है। मान लिया कोई ऐसा हमने खरीदी बेटे, उसको घर पे नहीं लाए, मतलब घर तक लाने तक के खर्चे हम लोग यहां पर जोड़ते हैं। आइए लिखिए फटाफट से, डायरेक्टली डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, बेटे ऐसी कॉस्ट जो घर तक लाने तक की कॉस्ट है, ठीक है ना। एक वर्ड हम लोग बोलते हैं हमेशा पुट टू यूज, क्या बोलते हैं बेटा पुट टू यूज तक की कॉस्ट, है ना, ये तो बोलते आए ना। अब नहीं बोलना, अब मत बोलना, क्यों नहीं बोलना, क्योंकि अब हमारा जो AS 6 ये AS 10 है ये हमारा रिवाइज हो चुका है, ये हमारा पूरा NDAs पे आ चुका है। क्या मतलब सर, मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल पहले, तब आपको बात समझ में आएगी कि NDAs और AS में क्या अंतर था और ये अंतर क्यों आया। पुट टू यूज तक के हमें सारे खर्चे कैपिटलाइज करने, सारे खर्चे जोड़ने, ये बात हमने पढ़ी हमेशा हमेशा पढ़ी फाउंडेशन लेवल तक, वहां तक तो चलो ठीक था। एक व्यक्ति है उसने क्या किया, एक असेट्स खरीदी, मशीनरी खरीदी, और उसको क्या किया, उसके सारे खर्चे उसने कैपिटलाइज करने शुरू कर रखे हैं, खरीदी कितने की, लाया फ्रेट वो भी, ठीक है ना। लेकिन उसको पुट टू यूज ही नहीं करके दे रहा, कह रहा ना अभी नहीं करता, अगले साल जाके उसने पुट टू यूज किया। उसने क्या किया, तब तक सारे के सारे खर्चे वो उसमें जोड़ता जाएगा जोड़ता जाएगा जोड़ता जाएगा। बताओ उसके लिए लेबर लगा रखी है कि भाई इस पे रोज कपड़ा मारना है इस मशीनरी पर, ये मशीनरी अगले साल पुट टू यूज में आएगी, तो उस लेबर की कॉस्ट को भी क्या करना शुरू कर दिया उसने, उसमें कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। पंखा चलाया उसके लिए मशीनरी, ताकि वहां पर मशीनरी पे मक्खियां ना बैठे, मतलब कुछ ना कुछ इस तरह के ड्रामे उसने कर रखे, तभी उसमें तेल डालता, लेकिन चलाता ही है बस, पुट टू यूज ही नहीं कर रहा, कह रहा नहीं अभी नहीं, प्रोडक्शन मैं अगले साल से शुरू करूंगा, खरीद के उसने इस साल रख ली। बताओ बेटे क्या ये बात सही है, अब हमें हमारा वर्ड पुट टू यूज सही नहीं लगेगा, इसीलिए AS में ये चेंज आया। AS में क्या है भाई, बोल मैं भले ही आपसे रहा हूँ AS कि AS अमेंड हो गया, AS अमेंड हो गया, लेकिन है ही हमारा NDAs 16। फिर भी कोई बात नहीं, इंटर लेवल तक मैं ही बोलूंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में ये चेंज आया और बहुत ही वैलिड चेंज था कि भाई पुट टू यूज बोलना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खींचना है चीजों को। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक वर्ड जोड़ा गया डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल वर्ड में, यहाँ पर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट में पहले था पुट टू यूज, रेडी टू यूज बनाने तक के खर्चे, अब यहाँ पर चेंज आ गया है। अब हम सर क्या चेंज है, कैपेबल बनाने तक के खर्चे, कि पुट टू यूज के पर्पज से जो हमने असेट्स को अगर कैपेबल बना दिया, बस उस डेट तक के खर्चे हमें क्या करने, कैपिटलाइज करने, उसके बाद के नहीं। पुट टू यूज करें या ना करें, लेकिन पुट टू यूज के पर्पज से कैपेबल बन जाना उस असेट्स का, कि हाँ भाई अब ये असेट्स आप चाहे तो यूज के लिए पुट टू यूज कर सकते हैं, मतलब कर नहीं रहे इस वजह से सारे खर्चे पुराना AS जुड़वाता रहता था, और क्लाइंट इस चीज का कई बार फायदा उठाता था। तो ध्यान रखने की जरूरत है, क्या पुट टू यूज नहीं, हमें कौन सा वर्ड ध्यान रखना है, कैपेबल ऑफ बीइंग यूज या कैपेबल बनाने तक के खर्चे सारे के सारे कैपिटलाइज करने, वो पुट टू यूज करे चाहे 10 साल बाद करे, हम तो कैपेबल जब होगा बस वहां तक के खर्चे इसमें कैपिटलाइज होंगे। आइए जरा मैं इसको डिटेल में लिखवाऊंगा, इन इन चीजों को जो मैं आपको यहां पर लिखवा रहा हूं, ठीक है। आइए इसको रखिएगा *1, इसको रखिएगा *2। आइए जरा थर्ड बात, थर्ड सही डायरेक्टली के आगे क्या लिखा है, एट्रिब्यूटेबल। ओके एट्रिब्यूटेबल, नेक्स्ट
डीकंपोजिशन, सॉरी डीकमिशनिंग, डी कमिशनिंग, रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटी एंड सिमिलर लायबिलिटीज. डीकमिशनिंग होता क्या है ना बेटे, कई बार क्या होता है कि हमें कुछ असेट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या करना होता है, एक सरफेस बनाना होता है. क्या बनाना होता है बेटे, एक सरफेस बनाना होता है. कई असेट्स ऐसी हैं जिनके ना नीचे एक सतह बनानी होती है उनको रखने की. जैसे फॉर एग्जांपल घर में सबके सबके नहीं, चलो भाई मान लिया घर में एसी लगवाते हैं फॉर एग्जांपल, तो वहां पर क्या होता है दो तरह के एसी होते हैं, एक तो विंडो एसी, दूसरा स्प्लिट. अब जो स्प्लिट एसी है उसमें क्या करना है, हमें इंडोर तो चलो कमरे के अंदर होता है ठीक है जी, लेकिन जो उसका आउटडोर होता है वो बाहर रखा जाता है. आपको भी पता होगा, जरा टांग के देखो अपने घर के बाहर, हो सकता है आपको एक महीने बाद वो वहीं टंगा मिल जाए. बेटा कोई ना कोई ले जाएगा, ध्यान रख लेना, बहुत महंगा हिसाब किताब है और चोर देर नहीं लगाते इस चीज में. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस तरह की एक वहां पर क्या करते हैं, या तो हम उसको छत पर रखवा देते हैं या हम उसको बाहर अगर टंगवाएंगे तो वहां पे कहते हैं जाल बनवा देते हैं. क्या करते हैं, जाल. तो हम क्या करते हैं वहां पर उसके लिए एक सरफेस बनाते हैं. अगर हम छत पे रख रहे होंगे तो हम क्या सरफेस कहते हैं, परत. हम क्या करते हैं छत पे अगर हम रखवाएंगे तो ऐसे ही नहीं रख देते, लो भाई रख दो बस. वहां पर क्या होता है, नीचे एक स्टैंड होता है जो उसको एसी को थोड़ा सा जमीन से उठाए रखता है. तो उसमें क्या होता है कि बेटे वहां पर उसके बोल्ट फिट हो जाते हैं जिससे कि एक प्रॉपर एक स्टैंड पे वो एसी रखा रहे और सही से काम करे. अदरवाइज मान लिया गलती से वहां पर घर छत पे धूल मिट्टी पता नहीं क्या क्या चीजें और मान लिया आई और बारिश का पानी आया, तो अगर वो एसी जमीन से टच है तो क्या हुआ बेटे, वो पानी और सब वो कचरा सब एसी के अंदर चला जाएगा. तो इसलिए क्या करते हैं वहां पर एक सरफेस बनाई जाती है जो थोड़ा सा उसको ऊपर रखते हैं. तो ये जो खर्चे हैं ये भी सारे के सारे उसमें कैपिटलाइज होंगे. कोई भी इसी तरह के जो भी खर्च होंगे वो सारे के सारे कॉस्ट का पार्ट होते हैं क्योंकि उसके लिए कैपेबल ऑफ बीइंग यूज बनाने के लिए जरूरी है. डीकमिशनिंग भी एक वर्ड है. क्या है सर, होता क्या है कई असेट्स ऐसी हैं जिनके लिए हमें ना पहले पुरानी वाली चीजों को रिमूव करना पड़ता है, उसको बोलते हैं डीकमिशनिंग. ठीक है ना, तो वो कॉस्ट भी हमारे यहाँ पर कॉस्ट का पार्ट बनेगी. एनीवेज आइए जरा एक बार जरा एक्सक्लूड को देखें और फिर इनको हमें डिटेल में बात करनी है अभी. एक्सक्लूड को देखते हैं क्या इसमें, एक्सक्लूड में ध्यान रखना है मैं इसको ए बी सी डी की नंबरिंग करूं. ए एक तो भाई इसको शामिल नहीं करेंगे. किसको शामिल नहीं करेंगे जी, क्या जैसे कि आपके इनोग्रेशन एक्सपेंसेस है भाई, मान लिया कोई न्यू फैसिलिटी और न्यू बिजनेस है, हम लोग अपने यहां पर अपने बिजनेस में कोई भी नई फैसिलिटी जनरेट कर रहे हैं या फिर कोई नया बिजनेस सेगमेंट हम लेकर के आ रहे हैं, तो उसका जो इनोग्रेशन का जो खर्चा होता है, इनोग्रेशन उसका जो एक्सपेंस है, उससे कोई भी पर्पज ऐसा नहीं है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है या उससे कैपेबल ऑफ बींग यूज हो रहे हैं. बताओ बेटे अगर आप मान लिया स्कूटी लेके आए घर पे, आपको पता है अक्सर ऐसा होता है घर पे जैसे मान लिया स्कूटी लेके आए या गाड़ी लेकर के आए, तो घर में जो छोटी बहन होती है उससे उसको टीका कराया जाता है, फिर मिठाई बांटी जाती है, फिर उसको भी थोड़ा सा एक शगुन के तौर पर कुछ पैसे देते हैं. हाँ मैं बहनों से नाराज नहीं हूं, मैं तो बहुत ज्यादा फेवर में रहता हूँ बहनों की, पर क्या उससे गाड़ी बड़ी तेज भागने लगी, सोच के देखो जरा, नहीं ना. हाँ अब ये मत कहना कि इसका मतलब सर अब हम नहीं कराएंगे, नहीं नहीं ये तो बहुत शुभ रहता है. मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑफिस में हमने कोई एसी लगवाया, ऑफिस में मान लिया कोई वर्कर है और उसने क्या किया गाड़ी ली, क्या करते हैं सब यार दोस्त टांग खींचना शुरू कर देते हैं, हाँ भाई ऐसे नहीं भाई देख ले नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, पार्टी देते हम नहीं तो दुआ मनाएंगे, हाँ नहीं तो फिर मेरे को वो मजे वाली बात होती है. तो बेटे मिठाई तो बटेगी ना, हाँ बिल्कुल बटेगी, बिकॉज ऑफ न्यू थिंग्स.
लेकिन क्या उससे गाड़ी सेफ होनी शुरू हो जाएगी या गाड़ी की का माइलेज बढ़ जाएगा? नहीं, उससे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होगा। तो कोई भी बिजनेस में अगर हम नई फैसिलिटी लेके आ रहे हैं या कोई नया बिजनेस डाल रहे हैं, तो जो इनॉग्रेशन होता है, हवन होता है, मिठाई होती है, वो सब लड्डू बटते हैं, वो सब चीजों से ऐसा ना हो कि पता चला आप उसको कहते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और आप ना उसको फिक्स एसेट्स के कोर्स में जोड़ते चले जाओ, भाई ये वहां पर कैपिटलाइज नहीं होंगे। बी पॉइंट एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उसका बड़ा हैवी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं कहीं, ठीक है ना? तो वो जो एडवर्टाइजमेंट है, क्या उससे वो असेट्स ज्यादा बेनिफिट देना शुरू कर देगी? नहीं जी। तो इसलिए ध्यान रखना, ये भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ा नहीं रही है, उस असेट्स की कैपेसिटी नहीं बना रही है, उसको कैपेबल ऑफ बींग यूज नहीं बना रही है। तो इसलिए बेटे ये क्या करेंगे, ये कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, हाँ जी, शिफ्टिंग के खर्चे अगर मान लिया ऐसे हैं, शिफ्टिंग के एक्सपेंस अगर ऐसे हैं, कहां पर, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन, या शिफ्टिंग एक्सपेंस बोलना गलत होगा, सॉरी, कॉस्ट ऑफ लिखिए कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन और विद न्यू कस्टमर्स तो ये कहते हैं कि भाई ये चीज जो है ये भी एक्सक्लूड की जाएगी, इससे कोई मशीन ज्यादा प्रोडक्शन करना नहीं शुरू कर देगी, वो कैपेबल होने में उसमें 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 क्या है, मशीन तो अपना काम करेगी और वो उतना ही करेगी, इससे कोई मशीन की कैपेसिटी थोड़ा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट डी पॉइंट आइए, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट ये स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट क्या होती है जी? भाई होता क्या है, मशीन चलाना बड़ा आसान है, लेकिन उसके लिए जिसको आती है, सोच के देखो जरा, अच्छा मैं ये कह रहा हूं, सोच के देखो जरा, आप में से कई सारे बच्चों ने ट्राई किया होगा, पता नहीं किया होगा कि नहीं किया होगा, मैंने तो बहुत ट्राई किया और मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट भी किए। क्या सर? बचपन में बच्चे जब प्रेस करना शुरू करते हैं ना कपड़े पे, दो चार की बली जब तक नहीं चढ़ जाएगी बेटे, प्रेस करनी नहीं आती। अगर आपने ट्राई किया हो, हाँ मैं तो हमेशा मम्मी के, मैंने भी काफी चादर जलाई है, काफी चादर जलाई है, देखो बहुत सारे अरमान इनके भी दबे पड़े हैं, बता नहीं। हाँ, मम्मी के सूट पे, मैं अपनी शर्ट पे कभी ट्राई नहीं करता था, बस फिर तो क्या, बजना तो तब भी था, कम से कम अपनी शर्ट तो बच गई। तो माता पिता के कपड़ों पे मैं हमेशा ट्राई करता रहता था, उनकी प्रेस करने का काम। बेटे तो शुरू में क्या होता है बताओ, शुरू में कभी ऐसा होता है कि कोई भी बच्चा ढंग से प्रेस कर पाएगा? मतलब ही नहीं। जब तक दो चार सूट नहीं चला लेगा, पिट पुटाने लेगा, तब तक प्रेस करनी नहीं आती। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक ऐसे ही किसी भी मशीन को हैंडल करने के लिए, बड़ी मशीन को हैंडल करने के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपर। तो वहां पर जो स्टाफ ट्रेनिंग की जो कॉस्ट आती है, दो एक महीने तो उसको ट्रेन करने में लग जाते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट आती है बेटे, क्या उसकी वजह से कैपेबल होती है मशीन? नहीं जी। आज एक स्टाफ जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, तो बेटे उसकी वजह से कोई भी कैपेसिटी बढ़ती नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये जो चीज है हमारी, ये हमारी क्या कहलाएगी बेटा, ये हमारी स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट है, और ये हमारे कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। अगला पॉइंट आइए जी, ई पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल एक्सपेंस, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले खर्चे हैं या फिर जो भी हमारे दूसरे जनरल एक्सपेंस हैं, वो भी हमारे कोर्स का पार्ट कभी नहीं बनते जी। कभी पता चला फिक्स एसेट्स के कोर्स का पार्ट बनाते, ठीक है जी। चले आगे, आज छोटी क्लास ही रख लीजिए, एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा, अच्छा कल एक्स्ट्रा कर लीजिए, अच्छा ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। परचेज प्राइस, परचेज प्राइस और फिर क्या है डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। आइए जी नेक्स्ट पेज पर आप हेडिंग डालिए फटाफट से, स्टार वन परचेज प्राइस, परचेज प्राइस। चलो तो ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, है ना, इससे आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल करते हैं जी। ओके बाय बाय।